तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो भी है बस का किराया कटाया जा रहा है। लाइव देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम का किराया कटाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो है बस का टिकट जो है कटाया जा रहा है। साथ ही परिवहन मंत्री द्वारा भी जो है बस का किराया जो है कटाया गया है। देश में और प्रदेश में महिला पूरी आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, कुछ जगह 50% से भी ज्यादा है और महिलाएं अब आज के इस दौर में सिर्फ घर का ही हिस्सा नहीं रह गया, यानी कि वो घर के कामकाज को ही नहीं देखते हैं, वो घर से बाहर एक नहीं अनेक कामकाज के लिए उनको जाना पड़ता है। एक दौर था महिलाएं घर में होती थी, बाहर कामकाज करने के लिए पुरुष ही जाते थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज महिला रोजगार के लिए बाहर जाती है, आज महिला अपने कामकाज के लिए घर के परिवार की जरूरतें जो सामान की दृष्टि से लाने की रहती हैं उनके लिए उसके लिए आना जाना रहता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं जिसको हम बोल सकते हैं प्रकार से हैं पूरे देश में पूरे प्रदेश में। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सकें, उस दृष्टि से हमने विचार किया और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है चाहे वो HRTC है चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए, ये हमने निर्णय किया। और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करेंगी बसों में उनसे आधा किराया लिया जाएगा। पहले से ही घाटे में कैसे उभरी की हम इस बात से सहमत है घाटे में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको बार बार बीच बीच में मदद करती है, हम और जरिया आय का क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के विचार करेंगे न्यूनतम। लेकिन इतना जरूर हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर से थोड़ा मदद का रास्ता निकालें और बसों में ट्रैवल करने वाली महिलाएं वो महिलाएं जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, जिनकी जो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं हैं और वो जरूरतमंद है और इसलिए जरूरतमंद के लिए हमारी ओर से ये मदद। न्यूनतम किराए को लेकर भी आपने बड़ी बात कही ना, न्यूनतम किराए के लिए हमने वो एक ही बात कही कि जो पहला स्टॉपेज रहता है उसमें 7 रुपए लिए जाता था पहले कम से कम मिनिमम, तो उसमें थोड़ा सा हमने और ये कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सुझाव के रूप में बातें 7 रुपए नहीं इसको 5 रुपए किया जाए, तो हमने